पुलिस लाइन की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाने के लिए एसएसपी शलभ माथुर लगातार प्रयासरत हैं। इसको लेकर शनिवार को डीएम के विजेंद्र पांडेयन और एसएसपी शलभ माथुर ने पुलिस लाइन से बाउंड्री वॉल और नाली सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसी के साथ डीएम और एसएसपी ने ऑटो चालकों से बात करके यातायात व्यवस्था सुधारने में सहयोग देने को कहा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि पुलिस लाइन को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ आम जनता को भी सुविधा मुहैया हो सके। एसएसपी ने कहा कि ऑटो चालकों के परिचय पत्र तैयार किए जा रहे हैं, जिससे उनको कोई दिक्कत ना आने पाए। इस संबंध में एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। पुलिस लाइन की बेसिकली वहाँ पर हम लोग का प्रस्ताव है कि जनता के लिए और जो पुलिस कर्मी उनके लिए हम लोग जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर कैसे दे सकते हैं, तो उसका निरीक्षण किया गया था। बाउंड्री वॉल जो है उसका निरीक्षण किया गया, बाउंड्री वॉल क्योंकि वहाँ पर रोड अब चौड़ी होगी तो जो नई बाउंड्री वॉल का प्रस्ताव है उसकी समीक्षा की गई थी। साथ ही साथ ट्रैफिक कार्यालय में जो हम लोग के जो यहाँ पर ट्रैफिक टेम्पो चालक हैं उन सबके लिए एक आई कार्ड ब्लड ग्रुप के साथ मोबाइल नंबर के साथ एक आई कार्ड बनाने की प्रक्रिया की गई, उसकी समीक्षा। जी वही मैं बता रहा हूँ, यातायात चौराहे पे गया था, उन लोगों से बातचीत भी हुई और उन लोगों से बातचीत में उन्होंने इस चीज़ की सहमति बनाई कि हम लोग के लिए जो है रूट निर्धारित कर दिए जाएं और रूटों को उसके ऊपर दर्शाया जाए, साथ ही साथ आई कार्ड जो है वो साथ में लेके चलेंगे। तो इन सब चीज़ों का कल से ब्लड टेस्ट भी चालू हुआ उन लोग का, काफ़ी लोगों का हुआ है, लगभग 20-25% हमने पहले दिन ही टेम्पो चालकों को कवर कर लिया गया, तो ये उनके साथ वार्ता के साथ ये कार्रवाई की जा रही है।